लोकसभा चुनाव में तीसरे चरण के मतदान के लिए सभी पार्टियों ने धुआंधार प्रचार करना प्रारंभ कर दिया है। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में चुनाव प्रचार करने रायगढ़ लोकसभा क्षेत्र के धरम जयगढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि हम प्रचार के लिए लगातार मैदान में हैं। चुनाव को लेकर आमजनों में काफी उत्साह है। हमें पूरा विश्वास है कि इस बार भी रायगढ़ से भाजपा की भारी अंतर से जीत होगी। चुनाव प्रचार में है और प्रत्येक दिन हम तीन लोकसभा क्षेत्र में जा रहे हैं। आज रायगढ़ संसदीय क्षेत्र में ये हमारा पहला कार्यक्रम है और भारी संख्या में यहाँ पर मतदाता भाई बहन यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। भारी उत्साह है लोगों में और ये क्षेत्र ऐसा है कि यहाँ हमेशा हर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिलता है और इस क्षेत्र में जितना जो विकास हुआ है, चाहे इस क्षेत्र में रोड हो, पुल पुलिया हो, यहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो, ये सब चीज जो भी विकास है भारतीय जनता पार्टी की सरकार की देन है। यहाँ की जनता हमेशा से भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ी हुई है और मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार रायगढ़ संसदीय क्षेत्र अभी लगातार 5-6 बार से भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। इस बार भी भारी मत से हमारे प्रत्याशी श्री राधेश्याम राठिया जी यहां से जीतेंगे, सांसद बन के दिल्ली जाएंगे। साथ ही और रेल कॉरिडोर की